गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम अंजलि, होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस आज ना मैं मोमोज चैनल वंस मोर। सो गाइस आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स मोमो चैलेंज, और चैलेंज नहीं मतलब ईट। तो चलो देखते हैं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। और मुझे ये थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि फुल डे मुझे सिर्फ मोमोज ही खाने हैं और कहाँ मिलेंगे ये भी नहीं पता। और मॉर्निंग और मौसम देखो, मैं दिखाती हूँ आपको मौसम। देखो ये मौसम तो अभी खुला हुआ है बट ना बहुत ज़्यादा बारिश है, मतलब बारिश कल बहुत ज़्यादा बारिश आई थी और अभी भी ना रिमझिम रिमझिम रही है। तो अभी तो छोटी छोटी बूंदें आ रही है बारिश की, मतलब मौसम खुला हुआ है, फुल वेदर ओपन है लेकिन बारिश आ रही है, दिखेगी नहीं क्योंकि बहुत रिमझिम सी है। तो हो सकता है कि 3 बजे बाद तो मौसम बदल ही जाता है, पता नहीं कैसे सुबह है। और सुबह तो मोमोज कहीं नहीं मिलने वाला है, तो ब्रेकफास्ट में मुझे मोमोज खाना है। तो मैंने पता ही क्या किया है, मैंने ना कल ही मोमोज ला के रख दिए थे और फ्रीज़र में है, तो मैं अभी उसको स्टीम करने वाली हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। और फिर मैं ब्रेकफास्ट वही करूँगी, लंच भी मैं वही करने वाली हूँ क्योंकि लंच हो जाता है 1-2 बजे और 1-2 बजे में यहाँ पे मोमोज नहीं खुल ओपन होता है, तो मैंने दोनों का इंतज़ाम कर रखा है। सो गाइज मैंने ना ये मोमो बॉयल होने के लिए रख दिया है पानी मोमोज का, क्योंकि मेरे पास मोमोज वाला बर्तन नहीं है और मैं ये जो इडली वाला होता है ना इसमें मैं करने वाली हूँ। सो होप सो ये इडली वाला जो है ये इसमें बन जाए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने कभी मोमोज घर पे पानी बॉयल हो रहा है। गाइस देखो मेरे मोमोज रेडी है, ये चटनी है और ये मेयो है, ये मोमो की चटनी है और ये है हमारा मोमो जो मैंने स्टीम किया है, और ये वेज मोमो है। तो अभी ब्रेकफास्ट में मैं वेज मोमो खाने आ रही हूँ और सोच रही हूँ कि इसके साथ जूस भी ले लूँ, मेरा फेवरेट जो जूस है। सो ये जूस स्ट्रॉबेरी खाना जो मैंने आपको बताया था स्ट्रॉबेरी, तो चलो ले लेते हैं दोनों चीज़। तो मैं डाल लेती हूँ इसको ओपन कर, मज़ा आ जाएगा। बट ये कितने पीसेज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 8, सब 8 ही मोमोस पीसेस देते हैं क्या, पता नहीं मुझे। चलो चलो जूस, ब्रेकफास्ट में जूस जरूर पीती हूँ, कभी कभी नहीं होता तो नहीं पीती। चलो अब ये लेके चलते हैं कैसा है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये खाते हैं भाई, देखो ये रहा मेरा जूस और ये मेरे मोमोस, दिख रहे हैं क्या? हाँ ये रहा, देखो ऐसे करोगे ना तो स्लिप होकर दूर नीचे गिर जाएंगे। तो ठंडा ठंडा जूस और उसके साथ ही मोमो, चलो मैं देखती हूँ मोमोस खा के कि कैसे हैं टेस्ट में। हाँ ये कर लो पहले। वेज मोमो, पर्सनली वेज मोमो मुझे इतने पसंद नहीं है, इसमें कैबेज ज्यादा रहती है। डिप करते हैं या खाते हैं? हेलो अच्छा, बट देखो सारा कैबेज ही कैबेज भरा हुआ है, जितना भी दिख रहा है ना सारा कैबेज है, उस वजह से ना हो सकता है प्याज व्याज बस यही वेजिटेबल खा रहा हूँ। चटनी बहुत बढ़िया है, बहुत मैं चटनी ज़्यादा डिप करती हूँ क्योंकि मुझे चटनी ज़्यादा पसंद है। कई कई बना इतनी स्पाइसी नहीं होती चटनी, बढ़िया मेरे पापा तो खा ही नहीं पाया, वो इतना स्पाइसी भी नहीं खाते ना, मेरे भाई खाते ना मैं खाती, मम्मा भी खा लेते, मैं खा लेती हूँ पहले, मेरे ज़्यादा कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो पहली गर्मी ऊपर से, चलो आ जाते मैं खाना खा लूँ।
मेयो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, देखो मेयो ज़्यादा लगाया, चटनी कम लगेगी। मैंने थैंक गॉड मैं जूस लेके बैठी, नहीं तो मेरा तो मुंह जल जाता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उसके बाद आपको लंच में मिलती हूँ 2 बजे। तय लंच में, मैं तो बोला रही बहुत ही खा। देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बोला था जैसे कि मैं कुछ रोटी करने वाली हूँ, तो मैं जो मेरे चिकन मोमो है उसको मैं इन सब में मिलाकर अब इसको लाइक जैसे तंदूरी होता है ना उस टाइप से बनाने वाली हूँ। मैंने शायद मिर्ची नहीं डाली, बोल डाली अभी कम डाली। और ये दही है, कर्ड है, इसमें मैंने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और फिर ब्लैक पेपर डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और सॉल्ट डाला है, बस ज़्यादा इतना था। और मैं इसको उसका पेस्ट बना दिया स्टेप से, मैं उसको उसमें डिप करके बस इसको मुझे तलना है। मैं फिर बताती हूँ आपको कि कैसा बने, रोके देखते हैं। अब आई है लंच की और 2 बज चुके हैं और अब मैं बताने वाली हूँ कि मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ। मोमोज से मैंने चिकन मोमो लिया है और मैंने स्टीम मोमो तो खा लिए और अब मैं खाऊंगी। मैं बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं खुद तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस देखो ये है तंदूरी, जो जल के तंदूर से काले हो चुके हैं और मुझे सच में ये तलने नहीं आए, बहुत मुश्किल से ना मम्मा को आए क्योंकि हम लोग यार ये सब बनाते बनाते नहीं है तो पता नहीं है इसको किस तरह से तलना है। और ये तो थोड़े से मतलब स्टीम ही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि देखो सब उसका माल निकल गया अंदर से तो। और ये भी, और ये भी जो है ना ये भी इसी टाइप से है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ बट ये अच्छे, ये तो भाटे जैसे हो गए एकदम पत्थर बट ओके ये मुझे लगता है टूटेगा नहीं शायद। ये 3 जो है ये सही ढंग से मुझसे तले नहीं गए, फ्राई हुए नहीं और ये कुछ ज़्यादा फ्राई हो गए। चलो फिर भी यार ट्राई करके देखते हैं कैसा है क्योंकि खाना तो है मुझे। मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है, मुझे वो स्टीम वाला और ना वो बहुत अच्छा लगा था। यार देखो कितना कुछ ये ना आ रहा है, गर्मी लग रही है। ओह आज मैंने कुछ मेकअप वगैरह नहीं किया, जस्ट ऐसे बैठी हूँ मैं तो जिसने मेरा मेकअप ऐसा फेस है मेरा विदाउट मेकअप। हाँ तो ना मैं देखो ये वाला टेस्ट करके देखती हूँ, दोनों टेस्ट करती हूँ कुछ तो। ये 3 तो ब्लैक हो चुके हैं और ये वाले कर्ड का फ्लेवर आएगा आई थिंक, मसाला देखती हूँ। चलो ट्राई करके, यार मिर्ची खाने में फट रही मेरी तो, पता नहीं कितनी तेज है चटनी। दही में मैंने सर बनाया उस टाइप से, अब ये वाला ट्राई करती हूँ। देखो तो ज़्यादा ही पक गया है ना, मतलब फ्राई ज़्यादा हो गया है, हाँ गर्म है। टेस्ट बहुत सुपर है और बट ये थोड़ा फ्राई ज़्यादा हो गया है क्योंकि ना वो फ्राई करने से टूट रहे थे और मेरे को मम्मा को दोनों को नहीं आया कि कैसे फ्राई करना। मैंने तो ऑलमोस्ट इसका चिथड़ा उड़ा दिया और मम्मा ने इसको अच्छे से तला, बट ये जो है ना ये मम्मा ने तला और ये सब मैंने तला। देखो चिकन है ये भी अच्छा, थोड़ा क्रिस्पी हो गया है ये, बट अच्छा है। और मुझे मोमोज खाने का मिल गया पूरा टाइम मोमोज। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, आई थिंक बारिश आएगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी। कर गया बट देखो बहुत गर्मी है, गर्मी में इतना वो, चलो पूरा खा। कमजोर लेग पीस है इसका तो, है नहीं उसके अंदर का माल ही निकल गया। देखो ये तो खोखला हो गया है, देखो ओह गिरता गिरता बचा, चलो इसका तो सब कुछ निकल गया, पपड़ी बन गई। गाइस देखो मैं आ तो गई हूँ, ये देखो मौसम कैसा हो रहा है यार यहाँ पे। सो वो रहा मोमोज का और मैं वहाँ खाने जा रही हूँ। मौसम देखो
बादल आ रहे काले काले, इससे पहले कुछ हो मैं जाती हूँ और खा के मेरा ब्लॉग कंप्लीट कर। तो डिनर टाइम गाइस, और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे मोमोज खाने के लिए। देखिए ये रिलायंस मार्ट है, इसी के जस्ट पास में मोमोज लगता है, तो मैं खाने आ गई हूँ। और चलो देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से मोमोज है, क्योंकि जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज बारिश का मौसम है। होपफुली ना आए बारिश, बट काश बारिश ना आए। तो चलो चलते हैं और फिर मोमोज खाते हैं जल्दी जल्दी। कम कम पूछते हैं इनके पास कौन कौन से मोमोज है, तो चैलेंज कम्प्लीट होना पड़ेगा ना। तो कौन कौन से मोमोज है आपके पास? वेज चिकन मशरूम और पनीर। मशरूम मैंने नहीं खाया अभी तक, तो मैं वो ट्राई करती हूँ। पनीर और मशरूम ट्राई करती हूँ। और फ्राइड है क्या आपको? फ्राइड मिल जाएंगे? ओके, तो गाइज मैं फ्राइड स्टार्ट ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट मैं सुबह से तो वही वाले खा रही हूँ, और इनके पास शेजवान वाले बिल्कुल भी नहीं है, चिली वाले नहीं। फ्राइड मोमोज हाफ पनीर हाफ मशरूम दे दो, आप दे दोगे? हाँ दोनों फ्राइड। तो गाइस मैंने ले लिया मशरूम और कौन सा पनीर, सॉरी मैं भूल जाती हूँ मैं हर एक वीडियो में भूल जाती हूँ। हाँ तो मैंने पनीर और मशरूम ले लिया है, वो भी हाफ हाफ प्लेट लिया है, और फ्राइड लिया है क्योंकि स्टीम में खा रही हूँ मॉर्निंग से। ओके तो गाइस देखो मेरा छोटा सा सब्सक्राइबर मिला है मुझे, इसका नाम ध्रुव है, और ये कितना अच्छा है ना, क्यूट सा, ये मुझे सब्सक्राइब करता है, इसने मेरी वीडियोस भी देखी है। तो गाइस देखो कहाँ पर रहते हो आप, कौन सी क्लास में? फिफ्थ में। ओके तो गाइस देखो कितना क्यूट सा, क्यूट सा बच्चा है ना। ओके थैंक यू। तो देखो 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 मेरे मोमोज, फ्राइड मोमोज जो मैंने एक्चुअली घर पे किया था ना, वो तो पूरा भाटे बन गए हैं। और सॉरी उसको इग्नोर करना हाँ, क्योंकि मेरे लंच पे जो मैंने उसको फ्राई किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मम्मा से करवाया था बिकॉज मुझे फ्राई वगैरह जा रही हूँ। इसमें से पहले देखते हैं कि कौन सा मोमोज अच्छा है, मतलब कौन सा मोमोज फ्राइड वो वाला है मशरूम, मैं भूल जाती हूँ यार कौन सा मोमोज चलो देखते हैं कि कौन सा मोमोज पनीर का है और कौन सा मोमोज वो है मशरूम। और देखो गाइस यार कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखना। मुझे जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, ये चिली वाला नहीं बनाते, बट इनके मोमोज बहुत अच्छे हैं, मैंने दो बार खाए हैं, हाँ दो बार ही खाए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। तो चलो देखते हैं, और अभी मैं इसको हाफ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने गाड़ी के उधर जाना पड़ेगा, उसकी सीट पे रख के मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ रखने के लिए नहीं है। तो चलो गाड़ी से तोड़ते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रख लेती हूँ उसको अपनी गाड़ी पे, गिर ना जाए। तो चलो देखते हैं। और ये मच्छर बहुत है, अरे भाई इससे तो थोड़ा ऑयल ज़्यादा लग रहा है मुझे। अब ये देखते हैं कि ये कौन सा है, देखो देखो देखो, ये है पनीर मशरूम। आह और आई थिंक ये वाले ना वो है मशरूम है, इसमें मशरूम कहाँ है, सब पनीर है क्या? मैंने तो मशरूम कहा था, मुझे ना अब तोड़ के देखना पड़ेगा कि मशरूम कौन सा है, कहीं पनीर तो नहीं चिपका दिया सारे। ये मशरूम है कि चीज़ है, आई मीन सीरियसली मशरूम चीज़ की तरह क्यों पिघल रहा है मुझे नहीं पता, इसमें शायद उन्होंने चीज़ भी डाला, आई थिंक होप सो, आई डोंट नो। सो लेट्स टेस्ट, चलो टेस्ट करते हैं, मैंने तोड़ के तो बता दिया, अब खा के भी देखते हैं। वन बाइट, तो गाइस मैंने जो अभी खाया है ना वो मशरूम है, बहुत टेस्टी है। और ये जो मैंने देखो, और ये जो मैंने तोड़ा है ना, ये वाला है पनीर का, मैंने अभी मशरूम ट्राई किया बहुत अच्छा था, अब मैं ये वाला ट्राई करके देखती हूँ, ये वाला ट्राई करती हूँ। गुड गुड, बट मुझे बेस्ट है ना मशरूम वाला लगा, पनीर वाला ठीक है एवरेज है, बट मुझे देख सकते हो कि ये सबके सब ना ट्राई है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मशरूम कौन सा है और पनीर वाला कौन सा है। अब जो
भी है मुझे खाना है, फटाफट खाना है क्योंकि बारिश का मौसम है और शायद बारिश आ जाएगी। Let's take a bite. ये भी पनीर है। मुझे ऐसा लगता इन्होंने पनीर ज़्यादा दे दिया, मशरूम वाला बहुत कम है। अभी तक मैंने खाया उसमें से एक ही मशरूम वाला निकला है मेरे पास, बाकी सारे पनीर ही लग रहा है। बड़ा अच्छा है, मैं करती हूँ इसे पूरा, इसको खाने में बहुत आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ना बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो मैंने कर लिया ये व्लॉग कंप्लीट और चैलेंज यहाँ बहुत ज़्यादा लाइटिंग का प्रॉब्लम है। हाँ अब आ रहा है, यहाँ दिख रही है। सो गाइज़ यहाँ पे लाइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरा तो हो गया है कंप्लीट और अब मैं क्या करने वाली हूँ। सो गाइज़ मैंने कर लिया है ये वीडियो और चैलेंज हो गया है मेरा कंप्लीट, सो आई वॉन्ट एंड मैं अभी कहीं जाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट है जो कंटेंट है वो मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। सो गाइज़ स्टे ट्यून्ड और मैं जल्दी बताऊँगी, और प्लीज़ गाइज़ बताना कि आपको कैसा लगा मेरा चैलेंज, और कमेंट ड्रॉप करिए और बताइए कि और कौन सा मैं यूज़ करूँ, मतलब और क्या करूँ चैलेंज में, कौन सा चैलेंज करूँ। ये मोमोज वाला चैलेंज मुझे बताया था कुछ फ्रेंड्स ने, और नेक्स्ट जो करने वाली वो भी किसी ने सजेस्ट किया है, तो मैं करने वाली हूँ, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताना। ओके सो गाइस देखो मैं कहाँ पर हूँ, देखो कितने सारे वाओ बैग्स इधर है ना, पर्सेस, ये वाला अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास है और मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ पर्स, मैं ले लेती हूँ बट मैं आपने देखा होगा मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। सो गाइज जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आई थी वो मुझे नहीं मिला है, मैं बताती हूँ मैं किस चीज़ के लिए आई थी, मैं कोरियन मैगी के लिए आई थी और यहाँ कोरियन मैगी मुझे नहीं मिली है, तो मैं दूसरी जगह ट्राई करती हूँ, दूसरे से मार्ट जाती हूँ, वहाँ मॉल में अगर मार्ट में मिलता है तो मैं ट्राई करती हूँ कोरियन मैगी, उधर होता है तो। मैं तो आ गई हूँ यहाँ पे और यहाँ ट्राई करते कोरियन मैगी मिलती है कि नहीं। मेरा भाई चला गया आगे आगे। सो गाइस देखो यहाँ पे मैंने देखी थी कोरियन मैगी, मैं देखती हूँ यहाँ कोरियन मैगी है, आई थिंक यहाँ कोरियन मैगी है। कितनी सारी चॉकलेट्स हैं, निट्रेला कहाँ पर है भाई, देखो यहाँ है कोरियन मैगी, दिख रहा है क्या आपको? वाई वाई है कोरियन मैगी तो नहीं दिख रही मुझे। तो गाइस मुझे कोरियन ये है क्या, हॉट एंड स्पाइसी, हाँ ये कोरियन मैगी है ना, कोरियन, हाँ कोरियन चिकन मैगी है, टॉप सेवन वाई वाई है। भाई ये है क्या कोरियन मैगी तो नहीं है यार वहाँ पे, कोरियन मैगी तो नहीं है, ये मिली, ये है क्या कोरियन मैगी, नहीं है यार, वो बड़ा वाला ले ले, कोरियन मैगी नहीं मिली है और अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग दूसरा करने वाली हूँ, सो देखना कि मैं क्या करती हूँ। और अभी हम घर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ली है मैंने, तो गाइज मुझे कुछ नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, तो मैं कुछ अलग कंटेंट बनाने वाली हूँ। तो गाइज़ मेरा व्लॉग होता है यहीं एंड, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब करना, और कमेंट ड्रॉप करो कि मैं आगे कौन सा व्लॉग बनाऊँ अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू, मैंने बहुत मेहनत करी है, बारिश भी थी, पीपी में गई हूँ, सो सब्सक्राइब और ज़्यादा करो गाइज प्लीज़। ओके और कोरियन वाला मैं जल्दी करूँगी, मुझे यहाँ मिला नहीं है इसलिए, सो बाय।